हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस शीला विजिटेड स्टोर नियर हर हाउस एंड फाउंड दैट द ग्लास जार आर अरेंज्ड वन अबव द अदर इन ए स्पेसिफिक पैटर्न। ऑन द टॉप लेयर देर आर थ्री जार्स, इन द नेक्स्ट लेयर देर आर सिक्स जार्स, इन द थर्ड लेयर फ्रॉम द टॉप देर आर नाइन जार्स एंड सो ऑन टिल द एट्थ लेयर। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन सॉल्व द क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले हम बना लेते हैं, ऑन द टॉप लेयर कितने हैं हमारे, थ्री जार, ठीक है। इन द नेक्स्ट लेयर सिक्स जार्स, ये हमारे सिक्स जार्स हो गए। इन द नेक्स्ट देयर आर नाइन जार्स, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, तो ये क्या है हमारे जार है, ठीक है। इसमें कितने हैं थ्री, इसमें कितने हैं सिक्स, इसमें कितने हैं नाइन, ये हमारी क्या है फर्स्ट रो, ये है सेकंड और ये है थर्ड, ठीक है। और ऐसे अप टू कितनी है एट रोज, कितनी रोज है एट रोज है, ठीक है। तो हमें नहीं पता कितने होंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने बना दी छोटी सी फिगर। ये जो छोटी सी फिगर हमने एक बनाई है ना, इससे आपने एग्जामिनर को ये एक्सप्लेन कर दिया कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है, ठीक है। अब देखिए हम कैसे लिखेंगे आंसर, नंबर ऑफ जार इन फर्स्ट रो इक्वल टू थ्री, इन सेकंड रो इक्वल टू सिक्स, इन थर्ड रो इक्वल टू नाइन, ठीक है। हमें ये पता है, देयर फोर ए वन इज इक्वल टू थ्री, ए टू इज इक्वल टू सिक्स, ए थ्री इक्वल टू नाइन। हेयर ए टू माइनस ए वन इक्वल टू सिक्स माइनस थ्री इक्वल टू थ्री, ए थ्री माइनस ए टू इक्वल टू नाइन माइनस सिक्स इक्वल टू थ्री। As a3 minus a2 is equal to a2 minus a1, it means it's an AP. It's an AP such that common difference d is equal to a2 minus a1, that is 3. ठीक है, first term a इज इक्वल टू थ्री, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि कॉमन डिफरेंस कितना है थ्री है और फर्स्ट टर्म कितनी है थ्री है, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू एट, इट मीन्स n क्या है एट है, ठीक है। ये सारी वैल्यूज हमने पहले बता दी एग्जामिनर को कि हमने ए भी निकाल लिया, हमने डी भी निकाल लिया और हमने एन भी निकाल लिया, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, राइट एन ए पी, ए पी क्या बन जाएगी हमारी थ्री सिक्स नाइन एंड सो, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद कॉमन डिफरेंस क्या है, d कितना है थ्री, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। सेकंड देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास स्पेस थोड़ा सा कंजस्टेड है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि हम एक ही पेज पे सारा क्वेश्चन कर दें, ठीक है। अब देखिए, इज इट पॉसिबल टू अरेंज 34 जार्स, देखिए ए एन इज इक्वल टू 34, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन 34 है, ए 3 है, एन नहीं पता, डी 3 है। 34 इज इक्वल टू 3 प्लस 3n माइनस 3, एन इक्वल टू 34/3। तो हम क्या लिखेंगे, एज एन इज नॉट ए, क्या है नॉट एन इंटीजर, Therefore, 34 jars is not possible.
ठीक है ना, कि n क्या है, इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए थी हमारी, ठीक है ना, बट 34/3 इंटीजर वैल्यू नहीं है, तो 34 जार्स पॉसिबल नहीं है। उसके बाद थर्ड, इफ देर आर n नंबर ऑफ रोज देन फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर n। एस एन क्या होता है, n बाई टू, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन क्या हो जाएगा, n बाई टू, a कितना है 3, n नहीं पता, जनरल टर्म, d कितनी है 3, तो एस एन हो जाएगा n बाई टू 6 प्लस 3n माइनस 3। एस एन इक्वल टू n बाई टू 3 प्लस 3n, दैट इज 3 कॉमन ले लीजिए, 3n बाई टू n प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल के आया है, एस एन निकल के आया, एस एन इज इक्वल टू 3n बाई टू इंटू n प्लस 1। अभी भी हमें दूसरा पेपर यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास स्पेस कम रह गया। चलिए कोई बात नहीं, अब देखिए अब वो क्या कह रहा है, सुनिए। एस एन हमने निकाल लिया, हमें क्या निकालना है, एस एट, ठीक है। सबसे पहले हम एस एन लिखते हैं, क्या है, एस एन इक्वल टू 3n बाई टू इंटू एन प्लस 1। एस एट निकालना है, 3 इंटू 8 बाई टू इंटू 8 प्लस 1, ये हो गया 4, दैट इज 12 इंटू 9 इक्वल टू 108। तो एस एट हमारा कितना निकल के आया, एस एट इज इक्वल टू 108। एस एट हमारा कितना निकल के आ गया, 108। अब हमारा ये थर्ड का ए पार्ट था, अब हमने थर्ड का बी पार्ट निकालना है। द शॉपकीपर एडिड 3 जार इन ईच लेयर, हाउ मैनी जार्स आर देयर इन द फिफ्थ। देखिए सबसे पहले हम A5 निकाल लेंगे, ठीक है। A5 क्या आ जाएगा, देखिए An होता है हमारा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A5 क्या हो जाएगा, A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। A5 हो जाएगा A प्लस 4D। A5 हो जाएगा, A कितना है 3, 4 के 3, दैट इज 3 प्लस 12 इक्वल टू 15, ठीक है। तो A5 कितना है, 15, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, नाउ 3 जार्स आर एडिड, 3 जार्स आर एडिड, देयर फोर नंबर ऑफ जार्स नाउ इक्वल टू 15 प्लस 3 इज इक्वल टू 80, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे, द शॉपकीपर एडिड हाउ मैनी जार्स आर देयर, देयर फोर न्यू नंबर ऑफ जार्स इक्वल टू 80, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करना है।